प्रदेश के बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने पूनम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारे ने क्राइम पेट्रोल को देखकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वही है जिसने अपनी प्रेमिका के साथ साजिश रच के नोएडा निवासी अपनी दोस्त पूनम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बुलंदशहर पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है और बताया कि इस शातिर प्रेमी युगल ने कैसे और क्यों इस युवती की हत्या की। दरअसल प्रेमी युगल को टीवी धारावाहिक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखकर ये आइडिया आया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर घिनौनी साजिश रच डाली। आप पहले देखिए खास रिपोर्ट। तो हुआ है, बताया जा रहा है सर कि कोई सीरियल है क्राइम पेट्रोल पे, उसको देख के किया गया। सर क्या पूरा मामला? कल इंद्रजीत नाम के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी पूनम का अपहरण कपिल नाम के एक लड़के ने कर लिया है और संभवतः उसकी हत्या कर रखा है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली सिकंदराबाद की टीम सक्रिय हुई और इन लोगों ने उस कपिल की तलाश शुरू कर दी और पूनम की भी तलाश शुरू कर दी। और देर रात्रि में कपिल की गिरफ्तारी की गई और कपिल से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो पूनम नाम की जो लड़की थी उसको ये ग्रेटर नोएडा से लेकर के यहाँ पर आया था और उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी अपनी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम रूबी है उसके घेर में छिपा दिया है। जब तत्काल कार्यवाही करते हुए उस डेड बॉडी की बरामदगी की गई और उससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि कपिल का रूबी शर्मा नाम की एक लड़की से संबंध था और इन लोगों की ये प्लानिंग थी कि रूबी शर्मा और कपिल दोनों भाग जाएंगे घर से और रूबी शर्मा की जगह पे पूनम की डेड बॉडी को वहाँ घेर में रख करके जला देंगे और इस तरह से रूबी की तलाश समाप्त हो जाएगी और आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बड़े सोचे समझे तरीके से ये हत्या की गई है और हत्या करके डेड बॉडी को छिपाया गया है। सर जो लड़की इसकी हत्या हुई है क्या वो भी प्रेमिका थी इसी की? इनके संबंध आपस में थे, काफ़ी समय से लंबे समय से संबंध थे और ये आपस में ये लड़की भी और दोनों लड़का और दोनों लड़कियों से भी आपस में जान पहचान थी। सर जो हत्या की गई है ये क्राइम पेट्रोल जो चैनल है उसको माध्यम से की गई देख इनका ये बताना है कि इस तरह का क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया टाइप के प्रोग्राम इन्होंने देखे थे और उसको देख करके इन्होंने विस्तृत योजना तैयार की थी। पुलिस ने बताया कि हत्यारा कपिल साजिश के तहत मृतक पूनम के शव से अपनी प्रेमिका रूबी के कपड़े बदलकर उसे जलाने की तैयारी कर रहा था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए और लोग उसको रूबी समझे। पर इससे पहले कि आरोपी कपिल अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और मृतक पूनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का दावा है कि कपिल अपनी प्रेमिका के साथ फरार होना चाहता था और पूनम की हत्या कर शव को जलाकर पहचान मिटाना चाहता था ताकि अपनी प्रेमिका के साथ भाग जाए और प्रेमिका के परिजन उसे मृत समझे। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमी युगल से जब गहनता से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया और गिरफ्तार प्रेमी युगल ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर ही उन्होंने हत्या की साजिश रची थी और इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वहीं वक्त रहते यदि सिकंदराबाद पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर आरोपी कपिल को पकड़ लेती तो शायद आज पूनम जिंदा होती। जिस तरह गणतंत्र दिवस का दिन पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी था, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे, उसी दौरान आरोपी मृतका को अपनी होंडा सिटी कार में नशे की हालत में पूरे शहर में घुमा रहा था और बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना पुलिस को पता नहीं क्या कर रही थी। आरोपी घंटों तक मृतका के शव को कार में रखकर घुमाता रहा लेकिन पुलिस का नहीं पता कि वह उस टाइम कर क्या रही थी। पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्राइम का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यदि यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरोपियों से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। उनकी कॉल आई, मेरे पास कॉल आने के बाद में मुझसे बोलने लगी कि 1000 रुपए चाहिए। मैंने बोला ठीक है ले लेना। उसके बाद मैं नहीं गया, क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद फिर कॉल आई, कहाँ गया? उनकी खेलने की नहर पे आ गया। मैं वहाँ कोई समथिंग ऐसी पहुँच गया 12:30 बजे के करीब। में पहुँचने के बाद मैंने कॉल करी कहाँ पर रहने, मेरी सिस्टर आई है, उसके बाद मैं चलती हूँ 4 बजे करीब मैं कॉल करूँगी फिर। ओके मन ठीक है। उसके बाद उसने कॉल करी कहाँ पर है, मन की यहाँ पर हूँ, तो चल आ जा। मैं पहुँच गया गाड़ी लेके, वो आके गाड़ी में बैठ गई। मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए। 1000 रुपये देने के बाद में उसने ठेके पैसे बियर ली, पहले बियर पी, गाड़ी में बैठ के आपस में ऐसी गाली गुप्तार करने लगी। फिर मैं उसे अपने इधर ले आया, इधर ला के मैंने नॉर्मल स्कूल पर गाड़ी की सीट बेल्ट से उसको फौसी लगा के मार दी।
पूनम को कैसे जान देता हूँ, क्यों मांगे पैसे उसने? को जी मैंने बताया ना कि एक दूसरे से मतलब नंबर मिला, कभी कभार कॉल की उसको, कभी किसी की जरूरत पड़ती तो ऐसी कॉल कर लेती अपने आप यारी दोस्ती में, तो मैंने उसे 1000 रुपये दे दिए थे सर। फिर मैं उसे यहाँ ले आया, यहाँ लाने के बाद ऐसी उल्टी सीधी बातें हुई हमारी, मैंने उसे गला घुट के मतलब गाड़ी की सीट बेल्ट से मार दिया, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घेर में लेके गया, वहाँ छुपा दिया उसको। सुबह के टाइम में उसको मतलब कपड़े पहरा के जला के मार देने का है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने का। तो ये खुलासा सब कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ, हम दोनों गैल रहना चाहते थे, तो ठीक है सर, एक लड़का था उसे मैंने बता दिया था, उसने मतलब दूसरे को बताया, उसने SOG टीम को बता दिया था। SOG टीम ने मुझे रात में उठा लिया 1:30 बजे के करीब, मेरा फ़ोन ऑफ था इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मुझे यहाँ लेके आए सिकंदराबाद थाने से, कुछ पुलिस वाले गए, फिर जोखावाद चौकी से गए, वहाँ पहुँचे, जाने के बाद लाश बरामद की। अरे क्या, कहाँ से पता पड़ी कैसे मर्डर करने लिखा? मैंने बताया सर, अभी मैंने एक साथ के लड़के को बताया था, उसने मतलब SOG टीम को। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम बीरपाल है। बीरपाल जी, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? हमारी लड़की जो गाजियाबाद से आ रही है जी, और उसकी जो सहेली है ना। क्या नाम है सहेली का? सहेली का नाम ना जाने तो पंडित की है, वो लड़की जो है हृदयपुर की। अच्छा, उसने जो इतनी पता हमें पड़ी तो उसके साथ जो तेल मिल पर उतरी, एक दिन 4 नंबर पर उतरी, मतलब कहीं उतरी रास्ता में जो जैसे जहाँ को वायदा उसने करा। तो आपके लड़की के साथ वो पढ़ती थी पहले ही, उनकी जो पढ़ा लिखी में जो जैसे स्कूल आने जाने में। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ कि जो वहीं से गायब हो गई लड़की, वहीं से गायब है। हाँ, फिर आपको कैसे पता चला? बाद में हमारे यहाँ जो ये पता लगा कि लड़की की जांच करी, मैं कहाँ रही, कहाँ क्या हुआ, जो फोन आया पहले जो मैं आ रही हूँ गाँव की, तो जो जब जाँच करी तो जब हमें ये पता लगा तो फिर हमने फोन आ गया। तो लड़की की जो शव मिला है कहाँ मिला है? लड़की का जो शव मिला है कहाँ मिला है? बेटी का देखो जी, मैं तो कुछ ना होते पुलिस JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।